हेलो, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट की फाइल को पीडीएफ में कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन किया। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे और इसको फिर पीडीएफ बनाएंगे। जैसे ये हमारी एक्सेल की फाइल है, इसको यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद ये हमारी एक्सेल की फाइल आ जाएगी। इसी फाइल को हमने क्या करना है, पीडीएफ में चेंज करना है। तो पीडीएफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद कहाँ पे इसको सेव एज करना है, जैसे डेस्कटॉप पे रखना है ये। जैसे डेस्कटॉप पे ये फाइल रखनी है पीडीएफ बना के, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। ये जो सेव एज टाइप है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पीडीएफ में क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे पीडीएफ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद अगर फाइल नेम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो इस फाइल नेम को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नितिन, यहाँ पे वन लिखा, ये फाइल नेम दिया। देने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ये देखो पीडीएफ फाइल यहाँ पे बन के आ गई। इसके बाद इसको भी यहाँ पे बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये देखो पीडीएफ फाइल यहाँ पे बन के आ गई। तो इस प्रकार हम एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम एमएस वर्ल्ड की फाइल को पीडीएफ में चेंज करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट को ओपन किया, अब कौन सी फाइल हमने पीडीएफ में चेंज करनी है वर्ल्ड की, ये फाइल हमने चेंज करनी है। जैसे राकेश, इस फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको पीडीएफ में चेंज करना है वर्ल्ड की फाइल को। फाइल पे गए, सेव एज पे गए। सेव एज पे जाने के बाद यहाँ पे ब्राउज़ किया, कहाँ पे इसको सेव करना है, इसको भी डेस्कटॉप पे सेव करना है। राकेश, इसको भी यहाँ पे हमने नेम दिया राकेश वन। नेम देने के बाद यहाँ पे सेव एज टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे बन के आ गई। इसको यहाँ से बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये जो है राकेश वन वो पीडीएफ में चेंज होके यहाँ पे आ गई। इसके बाद अगर पावर पॉइंट की फाइल को पीडीएफ में चेंज करना है तो फिर हम यहाँ पे पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। पावर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सी फाइल हमने पीडीएफ चेंज करनी है, जैसे ये अनिल, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाएंगे। इसके बाद सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद कहाँ पे इसको सेव करना है, डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पे दे देते हैं अनिल वन, ये फाइल नेम दिया। इसके बाद सेव एज टाइप पे यहाँ पे हम भरेंगे पीडीएफ। ये देखो पीडीएफ लिखा। इसके बाद सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद ये जो फाइल है ये पीडीएफ फाइल बन जाएगी। ये देखो पीडीएफ फाइल बन के आ गई ये। इसके बाद इसको बंद किया, ये बंद किया। ये देखो अनिल नाम की ये पीडीएफ फाइल बन के यहाँ पे आ गई। तो इस प्रकार हम एमएस वर्ल्ड की फाइल को, एमएस एक्सेल की फाइल को और एमएस पावर पॉइंट की फाइल को पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।